हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं गर्मा गर्म नाश्ते के साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिव्य पास्ता बना रहा है, उसने पास्ता उबाल लिए थे तो खाना बनाने का, तो पास्ता बना रहा है। ये रहा दिव्य, दिव्य हंस रहा है, बस उसको हंसने नहीं आता और कुछ नहीं। तो देखिए ग्रेवी अच्छी तरह से हो गई है। तो देखिए यहाँ पे दिव्य मेयोनीज डाल रहा है पास्ता के अंदर। मेयोनीज डाल दिया और वो बोल रहा है कि चीज में बाद में डालूंगा। क्यों चीज बाद में डालोगे ना? ये रहा लिक्विड चीज, वो बाद में डालेगा। वो रेड सॉस में बना रहा है पास्ता। तो ये पास्ता मसाला भी डाल रहा है उसके अंदर। तो फाइनली अभी इसके अंदर पास्ता जा रहे हैं, सारे पास्ता चले गए अंदर। तो देखिए पास्ता अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अभी उसमें क्या डालोगे साहब? नमक थोड़ा सा। पहला मसाला चख लो, एक कुछ चख लो पास्ता। हाँ, टेस्टिंग हो रहा है शेफ, कैसा है? नमक बराबर है? तो चलिए नमक बराबर है। अभी उस मेयोनीज, थोड़ा मेयोनीज डालना है कि चीज डालना है? चीज। तो चलिए अभी चीज डालेगा। तो फाइनली इसके अंदर चीज जा रहा है। चीजी पास्ता, एकदम क्रीमी चीजी पास्ता। तो चीज जा चुका है, अभी चीज भी मिक्स कर देगा। ये तो रेड के जगह पे रेड एंड व्हाइट सॉस वाला पास्ता हो गया। हाँ दिव्या। तो चलिए यहाँ पे अपने पास्ता फाइनली रेडी है, मिलते हैं बाद में आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फ्रूट्स कट्स हुए जा रहे हैं। वाटरमेलन और ब्लैक ड्राक्स, ब्लैक ग्रेप्स। तो क्या बनाने का प्रोग्राम है मैडम? अभी मैं बना रही हूँ जेली। तो मतलब ये फ्रूट जेली बनाने जा रही है। तो ये बड़े पीस वाटरमेलन की उसमें डालोगे? नहीं, ये आपके खाने, आपके लिए और एक मेरे लिए। ओहो, मतलब ये खाने के लिए रखे। तो फ्रूट जेली बनाने का आपको कहाँ से सूझा? वो हमारी आंटी हो ना, वो गोवा गई, अभी गोवा गई, तो उसने बहुत सारे पैकेट मम्मी के घर दिए थे, तो मम्मी ने तो बहुत बार बना के खा लिया। ओके, अभी मेरा टर्न है बनाने का। ओके, मम्मी सिंपल बनाती है, मैं फ्रूट डाल के बनाऊंगी। ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे छोटी पतीली में पानी गरम करने रख दिया है। और ये रहा जेली, रॉयल चेरी जेली। ये इसमें अरबी भाषा में लिखा है अल मखुला। इधर भी देखो ये भी लिखा है अल मखुला अल खबूला फ्रॉम मस्कतुला। ये मस्कत से आई हुई है। तो अभी उसका ओपनिंग सेरेमनी हमारी मैडम करिए जा रही है। अभी नहीं, पानी बॉईल होने देना है। ठीक है, पर वो खोल तो दो। तो चलिए जेली का ओपनिंग सेरेमनी। तो चलिए मैंने बिगुल बजा दिया और चलिए आपको जेरी के शुगर पाउडर होगा, शुगर के दर्शन, शुगर पाउडर। हाँ जी, ये शुगर पाउडर है। थोड़ा चक के देखो कैसा है। नहीं, इसे चकने का नहीं, गरम पानी में डालने का। चखने के लिए भी अलाउड नहीं है। ये हमारी किधर गई? राजकुमारी संतोषी। ये इसको जहाँ मिला जगह वहाँ डाल दिया देरा। उसमें से मेरा ये तो उसको बहुत ही पसंद है, हमारी झम्पो रानी, छोटा भालू। तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पे पानी में उबाल आ गया है और अभी उसमें डालेंगे ये जेली का कॉन्सेंट्रेट पाउडर। पाउडर डाल।
ये डाल दिया, देखिए पर्पल कलर हो गया है एकदम लबुक छबुक कलर। रेड कलर होगा ना, ये पर्पल है। अच्छा तो फिर चेरी वाला है। ओके। ये पर्पल कलर की मस्कत में पर्पल कलर की चेरी मिलती है, चेरी जेली नहीं। तो अभी ये एक कंटेनर ले लिया है, कांच का बाउल, उसमें फ्रूट सेट करेंगे और जेली डालेंगे। जेली का ये जो कंसंट्रेट है वो, मैडम अभी उसको क्या कर रहे हो आप, उबाल? हाँ, ऐसे मम्मी ने बोला, मैंने तो नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ ना। हाँ तो अभी उसको बंद कर दो, उबाल आ गया है। आने देना एक दो मिनट। ऐसा है क्या? हाँ। फिर सेट करने के लिए खाली फ्रिज में रख देना। हाँ, बस ठंडा होने के। ये तो बहुत ही इजी स्टेप है। वो बनाओ ना, हाँ कैरेमल कस्टर्ड भी बनाते हैं। सुगंध आ रही है, वाह। ये एक्चुअली मेरे को सुगंध कौन सी आ रही है, मतलब मैं क्या, काला खट्टा शरबत वाली। हाँ, मैं भी वही बोलने वाली थी, काला खट्टा जैसे स्मेल आ रही है ना। ये खट्टी खट्टी लगती है, मैंने खाई थी मम्मी के घर पे। तो अभी गैस कर लो बंद। हाँ तो कर लो ना, उसमें कौन सी कहने की बात है। और यहाँ पे सेट कर लेते हैं ना बाउल में ये फ्रूट्स को। तो देखिए यहाँ पे बाउल में कैसे फ्रूट सेट्स हो रहे हैं, रेड ग्रेप्स और लाल कलिंगर, नहीं ब्लैक ग्रेप्स, सॉरी रेड ग्रेप्स। वो क्या था कि सुबह सुबह नाश्ते में केला खा लिया था इसलिए जबान फिसल गई। काली ग्रेप्स और लाल तरबूज, देसी भाषा। तभी ठंडा होने देते वो क्या, ये लिक्विड क्यों इसमें डाल देना चाहिए। हाँ उसमें क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जेली का कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे डालना स्टार्ट हो गया है, मुझे बताया भी नहीं, अकेले अकेले चालू कर दिया। अभी वापस से ग्रेप्स। मैडम मैं क्या बोल रहा था, अभी जेली का पूरा डाल दो, फिर थोड़ा जम जाए ना, फिर ऊपर से और डाल देना। तो ये तो पूरा नीचे ही बैठ जाएगा, ऊपर तो कुछ रहेगा ही नहीं। अपना तरबूज या तो ऊपर ही तैर के आ गए, सब फ्रूट्स ऊपर ही तैर के आ गए मैडम। तो फ्रेंड्स फाइनली देखिए यहाँ पे पूरा रेडी हो गया है। अभी इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया है पंखे के नीचे, फिर उसको फ्रिज में रख देंगे ना मैडम। हाँ, दो घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। ठीक है, मतलब दो घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, फिर रात को जेली पार्टी। जेली बनाने वाली भी तैयार। तो देखिए ढक दिया है फाइनल यहाँ पे और जा रहा है फ्रिज में, फ्रिज के अंदर। ये रहा सामने हमारा फ्रिज, हुआ फ्रिज खोल दिया और जेली अंदर रख दी। अभी दो घंटा, अभी बजे है 6:10, मतलब 8:10 को फ्रिज खोलूंगा और मैं ऐसा चेक करूंगा कि जेली तैयार है कि नहीं। और फ्रेंड्स आप लोग को हमारा कॉमेडी वीडियो अच्छा लगा कि नहीं, आप जरूर प्लीज कमेंट्स कीजिएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो आप भी तो आओ कैमरे में ऐसे पीछे बोलो। तो मैंने मेरा कह दिया, कैमरा मैन हमेशा पीछे रहता है, कट टेक वन गुड शॉट, वैसा सब पीछे से बोलते रहते हैं। तो मैं कैमरा मैन और डायरेक्टर दोनों हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जेली बन के रेडी है, अभी उसको निकाल देते हैं डिश में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिश में तो कुछ इस तरह आई है, मतलब सब बराबर निकली, मतलब वो एकदम चिपक गई थी, मतलब फेल हो गया हमारा, पोपट बन गया। पोपट नहीं बना है, जेली अपनी हो गई पर वो निकालते निकालते टूट गई। तो अभी चम्मच लेके टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जेली टेस्ट कर लेती हूँ, मैंने वाटरमेलन और ग्रेप्स ले लिया है थोड़ी। मस्त है।
तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट डे हुआ ये जेली बनते बनते। तो यहाँ पे मैं व्लॉग के एंड करती हूँ। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल नए व्लॉग में। चलिए बाय।